नमस्कार, मेरे YouTube चैनल प्यारी बिटिया रानी में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे घर में कढ़ाई में पिज्जा कैसे बनाएंगे, बिना ओवन के, बिना ईस्ट के, बिल्कुल सरल तरीके से बाजार जैसा पिज्जा आज हम आपको बना के दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे किचन में और देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो हमने एक कटोरी मैदा ले लिया है, मैदा को हमने पहले छान लिया था। एक कटोरी मैदा, एक चम्मच चीनी, थोड़ा सा नमक एक चौथाई चम्मच, और एक चम्मच हमने बेकिंग सोडा और एक चौथाई चम्मच मीठा सोडा, उसी को हम खाने वाला सोडा भी कहते हैं, और लगभग दो चम्मच हम इसमें तेल डालेंगे। तेल डाल के सारी सामग्री को हम थोड़ा सा मिला देंगे। ये देखिए, इस तरह से इसको हम मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें दही डालेंगे। दही बिल्कुल फ्रेश दही होनी चाहिए, ना खट्टी रहे ना ठंडी रहे। तो ये हमारे घर का ही दही है, तो दही हमें उतना डालना है, हमने 6 चम्मच डाला है दही, उतना डालना है जिससे हमारा आटा खूब अच्छी तरह से गूंथ जाए। तो दही डालने के बाद हम इसको आटे को खूब अच्छी तरह से गूंथेंगे। ये देखिए, हमें पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको लगता हो कि हमें पानी की ज़रूरत हो तो थोड़ा आप डाल सकते हैं, लेकिन हमें पानी की ज़रूरत नहीं है। हमारा आटा खूब अच्छी तरह से तैयार हो गया है। तो ये देखिए, आटे को हमने लगा के इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा के इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। ये देखिए, आटे के ऊपर हमने अच्छी तरह से तेल लगा दिया है, तेल लगा के इसे ढक के रख देंगे। ये हमारा देसी ओवन है, कढ़ाई हमने गैस ऑन करके रख दी है। थोड़ी सी कढ़ाई जो लेनी है वो गहरी कढ़ाई हो, इसमें गहराई हो थोड़ा सा, और इसमें हमने नमक डाल दिया है। ये नमक हमारा आपको थोड़ा सा डार्क दिख रहा है, क्योंकि यही नमक हम जब भी कुछ भी कढ़ाई में बनाते हैं तो हम इसी नमक को यूज करते हैं। ठंडा होने के बाद इसको भर के रख लेते हैं। ये देखिए, अब हमने डाल दिया है, और पिज्ज़ा हम रखेंगे तो या तो आप ऐसी नॉर्मल कोई कटोरी ले सकते हैं या फिर स्टैंड ले सकते हैं, जो भी आपके पास हो आप उस पर रख के पिज्ज़ा बना सकते हैं। तो हम इस स्टैंड पे रखेंगे। स्टैंड रख के हमने कढ़ाई ढक दी है। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, हम थोड़ी देर अपने आटे को और अच्छी तरह से गूंथ लेते हैं। देखिए, आटा हमारा बहुत अच्छा तैयार हो चुका है, बिल्कुल आज हम बाजार जैसा पिज्ज़ा आपको बना के दिखाएंगे। अब इसको हम या तो आप चकले पे या प्लेटफॉर्म पे हम इसे बेलेंगे। तो ये देखिए, आटा हमारा तैयार हो चुका है। अब इसको हम इस तरह से दो भागों में बांट लेंगे, क्योंकि जितना हमारा आटा है दो हमारे पिज्ज़ा बनेंगे। तो पिज्ज़ा बनाने के लिए हम इस चकले पे थोड़ा सा या तो आप मैदा ले लीजिए या तो मक्के का आटा, हमने मैदा लिया है। अगर आपके पास मैदा ना हो तो आप मक्के का आटा भी ले सकते हैं। ये देखिए, हमने लगा लिया इस पे, और इसको इस तरह से हाथों से दबाएंगे। हाथ से भी आप दबा के थोड़ा इसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा इसको बेलन से बेल देंगे। तो ये देखिए, इसको पहले हमने हाथों से इस तरह से इसको गोल शेप में धीरे धीरे दबा के बेलना है। देखिए, हमारा जो पिज्ज़ा है ये खूब अच्छी तरह से हमने बेल लिया है। अब इसके किनारे को हमको थोड़ा थोड़ा सा दबाना है उंगलियों की सहायता से। दबाने के बाद हमें नॉर्मल प्लेट ले लेंगे। ये नॉर्मल प्लेट तो वैसे सबके घरों में रहती है। ये देखिए, प्लेट हमने ले लिया है, प्लेट या छोटी थाली जो भी आपके पास हो आप ले सकते हैं। उसमें थोड़ा सा हम तेल डाल के इसको चारों तरफ से ग्रीस कर देंगे, जिससे जब हम उसमें पिज्ज़ा रखेंगे तो बहुत ही आसानी से निकल आए। देखिए, हमने अपने प्लेट में चारों तरफ से घी लगा दिया है। आप घी भी लगा सकते हैं या तेल, जो भी आपके पास हो आप उसे लगा सकते हैं। तो अब जो हमने पिज्ज़ा बेल के रखा था, अब इसको इसी पे रखेंगे। देखिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करना है, नॉर्मल इसको रखना है। देखिए, प्लेट में हमने इसको रख दिया। हाथों की सहायता से इसको थोड़ा थोड़ा दबा देंगे। जिस तरह से हम दबा रहे हैं वैसे आप भी बनाएं तो उसी तरह आप कर सकते हैं। बिल्कुल बाजार जैसे पिज्ज़ा भी देखिए हम आपको बना के दिखाएंगे कढ़ाई में, बिल्कुल देसी स्टाइल में। अब हम एक चाउमीन वाला चम्मच लेंगे और उससे दबा दबा के पूरे पिज्जे में होल कर देंगे, जिससे हमारा पिज्ज़ा
जब पके सेंके तो वो फूले नहीं बीच में, जैसे बाज़ार से आप जब पिज्जा लाते हैं तो सेम बिल्कुल इसी तरह से आपको भी करना है। देखिए हमने कर दिया। अब इसमें जो पिज्ज़ा सॉस, वैसे मार्केट में भी ये मिलता है, आप ला सकते हैं, उसको ला के इस पर थोड़ा सा किनारे का बॉर्डर छोड़ के इसमें आपको लगाना है। ये देखिए हमने चारों तरफ से इसमें लगा दिया है। और ये चीज़ है, चीज़ को हमने ग्रेटर से थोड़ा सा क्रश कर लिया था, जिससे अदरक वगैरह हम क्रश करते हैं। और अब हम इसको सजाएंगे। तो ये प्याज, प्याज को हमने थोड़ा सा इस तरह से काटा है सजाने के लिए, तो प्याज लगा दिए हैं। ये शिमला मिर्च हमारे पास थी तो हम शिमला मिर्च भी लगा रहे हैं। और ये टमाटर, अगर आपके पास पनीर हो तो आप पनीर भी डाल सकते हैं, जो भी आपके पास, जो पिज्ज़ा आप बनाना चाहते हैं आप ऊपर से उसको सजा सकते हैं। ये थोड़ा सा कॉर्न का बीज था, मकई का दाना, वो भी हम ऊपर से डाल दिए हैं सजाने के लिए। तो देखिए कितना अच्छा हमारा पिज्ज़ा लग रहा है, लग रहा है ना बिल्कुल बाज़ार वाला पिज्ज़ा। तो आप भी इसी तरह अपने पिज्ज़े को जितना अच्छा आप सजाएंगे उतना ही अच्छा ये पकने पे बहुत अच्छा लगेगा। अभी देखिएगा जब हम पिज्ज़ा बनाएंगे तो आपको लगेगा कि बिल्कुल बाज़ार का पिज्ज़ा है। तो अब इसमें हम थोड़ा सा डाल दे रहे हैं वो मिर्च, लाल मिर्च पाउडर जो है उसको थोड़ा सा दरदरा कुटा हुआ, बाज़ार में भी मिलता है, और चिली फ्लेक्स उसको कहते हैं, और ऑर्गिनो पाउडर भी मार्केट में मिलता है, अगर आपके पास हो तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। हमारे पास था इसलिए हमने चिली फ्लेक्स भी डाल दिया है और ये ऑर्गिनो पाउडर, और थोड़ा सा हमने बचा के रखा था उसको भी ऊपर से चीज़ डाल दिया है। अब इसको हम ले चलते हैं और रखेंगे अपनी कढ़ाई में। बहुत संभाल के रखना है क्योंकि हमारी कढ़ाई बहुत गर्म है। और अब इसको हम इसमें रख के ढक्कन लगा देंगे लगभग 10 से 15 मिनट के लिए। लेकिन सबकी कढ़ाई अलग है, सबके गैस के फ्लेम अलग हैं, इसलिए 6 से 7 मिनट के बाद आप इसको एक बार चेक ज़रूर कर लीजिए। तो देखिए हमारा पिज्ज़ा 15 से 17 मिनट में बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल पक के तैयार हो गया है। तो हम इसमें चाकू डाल के थोड़ा सा चेक कर ले रहे हैं। देखिए पिज्ज़ा हमारा तैयार है। अब इसको हम सावधानी पूर्वक निकालेंगे क्योंकि कढ़ाई हमारी बहुत हीट है और पिज्ज़ा भी हीट है। ये देखिए लग रहा है हमारा बाज़ार वाला पिज्ज़ा बन के कढ़ाई में, बिल्कुल देसी ओवन में आज हमने आपको पिज्ज़ा बना के दिखाया है। और इसको किनारे से थोड़ा सा निकालते हुए ये देखिए पिज्ज़ा हमारा निकल गया। जितना ही आप उसमें तेल या घी लगा के रखेंगे उतना ही आसानी से आपका पिज्ज़ा निकलेगा। अब इसको हम दूसरे प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए जिस तरह से हमारा पिज्ज़ा ऊपर सेंका हुआ है ठीक उसी तरह से नीचे भी देखिए कितना अच्छा सेंका हुआ है और बहुत ही फूला हुआ है पिज्ज़ा। ऐसा लग रहा है कि जैसे बिल्कुल बाज़ार का पिज्ज़ा है। तो हमारे पास पिज्ज़ा कटर नहीं है तो हम इसको इसी कलछी की सहायता से देखिए काट लेंगे। जो ही नहीं कि सारी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध रहे, जो है उसी से बनाया जाए। तो ये देखिए हम इसको काट रहे हैं, बिल्कुल टेस्टी पिज्ज़ा हमारा बनके तैयार हो गया है। तो जो भी मेरे पिज्ज़ा बनाने की रेसिपी को देख रहे हैं प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर मेरे पिज्ज़ा बनाने की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये देखें पिज्ज़ा बिल्कुल बनके तैयार हो गया है, टेस्टी पिज्ज़ा, स्वादिष्ट पिज्ज़ा, बाज़ार जैसा, बिल्कुल बाज़ार जैसा पिज्ज़ा लग रहा है। तो आप हमारे चैनल बने रहिए, देखते रहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारे चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।